उधर सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। यहां 1,50,000 लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के ऐप पर कोरोना वैक्सीन दिए जाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड किया है। सऊदी अरब वैक्सीनेशन शुरू करने वाला छठा देश है, जहां लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। 17 दिसंबर से ही सऊदी में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पहली वैक्सीन देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रहीब को लगाई गई, जिसके बाद कोरोना का टीका हेल्थ वर्कर्स और गंभीर रूप से बीमार लोगों को लगाया जा रहा है। सऊदी अरब में अब तक 3,60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना से सऊदी अरब में अब तक 6,101 लोगों की मौत हो गई है। पहले चरण में 1,50,000 लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बहरीन के बाद सऊदी अरब दुनिया का दूसरा ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहां कोरोना वैक्सीन का काम शुरू हो चुका है।